हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो एसी डीसी मोटर ड्राइव पार्ट टू है। इससे पहले हमने पार्ट वन का वीडियो जिसमें क्वेश्चन 121 नंबर तक सॉल्व करा चुका हूं, तो आज का जो क्वेश्चन है 122 नंबर का कि डीसी ड्राइव में स्तर को सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए सिल्डेड केबल का उपयोग करने का क्या कारण होता है। जो हम सिल्डेड केबल यूज करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन रीजन, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करना ही इसका मेन कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, दो वायर है, अगर हमने इस पर सिल्डेड केबल नहीं किए हैं तो जो इसका करंट होगा इसमें कुछ इस डायरेक्शन में, इसमें कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट इसमें कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास फ्लक्स जनरेट होंगे, इसका भी फ्लक्स जनरेट होगा, तो इसी फ्लक्स को हम एक तरह से बोल सकते हैं बाधा उत्पन्न करेगा। इसी को समाप्त करने के लिए हम इस पर सिल्डेड केबल का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक छोटा सा चिप लगा रहता है, वही जो एसी ड्राइव में मोटर का जो स्पीड होता है वो कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। जो एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, तो जो एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग होता है कि जो मोटर होता है स्पीड उसको कंट्रोल करने के लिए हम एसी ड्राइव का यूज करते हैं। अब जो कंट्रोल करेगा वो कंटिन्यूस कंट्रोल करेगा, यानी कि बिना रुकावट, यानी स्टेपलेस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मोटर में नियंत्रण रहित गति को कंट्रोल करने के लिए एसी ड्राइव का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। तो जो आईजीबीटी होता है इसका फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाई पोलर ट्रांजिस्टर होता है। जो आईजीबीटी होता है वो पावर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि जो मोटर में दी गई पावर शक्ति को, मतलब दी गई शक्ति को कंट्रोल करता है ये आईजीबीटी। ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है आईजीबीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। बेहतर इसलिए है क्योंकि जो एसी ड्राइव होता है यह हाई स्पीड होता है, पहला कारण। दूसरा कारण यह कि इसका जो लागत होता है वो कम होता है, साथ ही साथ तीसरा ये कारण कि इसमें कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते हैं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए जो एसी ड्राइव बेहतर क्यों है, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो ब्रश होता है और कम्यूटेशन ये आवश्यकता नहीं होता है एसी ड्राइव में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। तो वही स्थापना और चलाने की लागत कम होता है, इसलिए इसका मेन फायदा होता है एसी ड्राइव का डीसी ड्राइव के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट के सिग्नल में क्वाड्रेंट लोड को संचालन किसके द्वारा किया जाता है। जो क्वाड्रेंट होता है फोर्थ कंपोनेंट होता है, एक फर्स्ट सेकेंड फोर्थ होता है। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो कंट्रोल करता है उसके लिए हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का कार्य क्या होता है। FSU का फुल फॉर्म होता है फील्ड सप्लाई यूनिट। इसका एक ही कार्य होता है, जो मोटर में वाइंडिंग होता है फील्ड वाइंडिंग, उसमें जो वोल्टेज होता है वो नियत रखने के लिए ज़्यादातर इसका कार्य होता है, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि मोटर फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो जो डीसी ड्राइव होता है यह हाई स्पीड पर नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि जो डीसी मोटर होता है उसमें कार्बन ब्रश लगे होते हैं और कम्यूटेटर, अगर हाई स्पीड पर चलेंगे तो स्पार्क ज़्यादा होगा, साथ ही साथ जो फ्रिक्शन होगा वो जो मोटर की दक्षता होगा वो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है जो डीसी ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? तो यह एक निगरानी करता है पैरामीटर के, जो एलसीडी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है। जैसे यह कोई भी फॉल्ट सेंस करेगा तो यह इंडिकेट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन की सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? तो जैसे कि जो फोर व्हीलर होता है उसमें अगर हम मोटर का जो रोटेशन बदलना होता है तो सबसे पहले ऑन को, जो गाड़ी रहेगा फोर व्हीलर उसको ऑन को ऑफ करेंगे, फिर रिवर्स स्विच का सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे, यानी कि प्रेस ऑन को ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद रिवर्स लगाकर जो फोर व्हीलर होगा उसे फिर ऑन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर वो एग्जांपल था फोर व्हीलर का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेस को जब ऑन रहेगा तो उसको हम ऑफ करेंगे, फिर रिवर्स, फिर उसके बाद ऑन करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव में बीओपी में प्रॉग बाई डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है? तो जो मोटर में इनपुट देते हैं उस डाटा को स्टोरेज करने के लिए इसका मेन उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में बलागुड़ के समानुपाती कौन सा होता है? तो जो डीसी मोटर में टॉर्क के जो समानुपाती होता है वो आर्मेचर करंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? तो जो बीएफ का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ये एक तरह का ड्राइव होता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, और इसमें जो आईजीबीटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका एक ही कार्य होता है कि इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस की तरह इसका वर्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? जो वीएसआई का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका जो कार्य होता है कि एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? क्योंकि जो ज़्यादातर हम एसी ड्राइव इसलिए यूज करते हैं कि इसका रख रखाव और जो इसका लाइफ होता है लॉन्ग लाइफ ये कुछ ज़्यादा ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी संट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो जो डीसी संट मोटर का अगर हम गति बढ़ाएंगे स्पीड, तो उसके लिए हम सबसे पहले फील्ड करंट को क्या करेंगे, कम करेंगे, फील्ड करंट को हम कम करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर टॉर्क कम होगा तो फील्ड करंट, आर्मेचर करंट भी कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल ड्राइव में कांस्टेंट टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो कांस्टेंट टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, जो आर्मेचर वोल्टेज होता है उसको हम कंट्रोल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके ही हम कांस्टेंट टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो निमी क्वेश्चन बैंक था सेकेंड ईयर का पूरा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।